हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बची हुई बासी रोटी का एक स्पेशल नाश्ता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे, 1 से 1.5 कप, और उसमें एक पूरी मैगी डाल देंगे और मैगी मसाला डाल देंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। इसके बाद हम रात की बासी रोटी लेंगे। हमने 4 रोटी ली है, इस पे हम टमाटो केचप लगा देंगे। इसके बाद मैं मिक्स हर्ब इसमें छिड़क दे रही हूँ और इसमें मैं हरी मिर्च थोड़ी सी कटी हुई डाल दे रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें प्याज जो छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काटे हैं उसे मैं इसे डाल रही हूँ। जिस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ उसी तरीके से आप भी लगाएं। और इसके ऊपर मैं एक रोटी रख दूँगी और इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रखेंगे। चीज़ स्लाइसेस को पहले मैंने एक पूरा चीज़ स्लाइस रखा, इसके बाद मैं चीज़ स्लाइसेस को पतले पतले काट कर चारों तरफ इस तरीके से रख दूँगी ताकि चारों तरफ अच्छे से ये फैल जाए और आराम से स्प्रेड हो जाए। इसके ऊपर भी मैं थोड़े से मिक्स हर्ब ये स्प्रेड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें चिली फ्लेक्स स्प्रेड करके इसके ऊपर से एक रोटी लगा दिया है। इसके बाद मैं रोटी के ऊपर से जो हमने मैगी बॉईल की है वो लगा रही हूँ। मैगी को अच्छे से आप चारों तरफ स्प्रेड कर दें और मैगी की क्वांटिटी भी अच्छी रखें। और उसके ऊपर भी मैं प्याज के कुछ क्यूब्स इस तरीके से फैलाकर, जिस तरीके से हम पिज़्ज़ा पे लगाते हैं बिल्कुल उस तरीके से फैलाकर लगा देंगे। और जो लास्ट की रोटी है उसे उसके एक तरफ हम टमाटो केचप से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे अपनी मनचाही कोई भी सॉस से स्प्रेड कर सकते हैं, तंदूर सॉस, मेयोनीज़, कुछ भी, और इसे ढक देंगे रोटी को। और उसके बाद मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस करके रोटी को जो हमने बनाया था वो हमने डाल दिया है। और फिर हम इसे 4 से 5 मिनट ढक के पकाने के बाद एक बार पलट देंगे, फिर दोबारा हम ढक देंगे, फिर दोबारा हम इसे अच्छे से पलट देंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगा के। इसके बाद हम इसे काट लेंगे पिज़्ज़ा कटर से या चाकू से। बिल्कुल ये रेडीमेड पिज़्ज़ा की तरह लगता है, पराठा पिज़्ज़ा की तरह। आप एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें।